मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये तो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एवरीबॉडी इज जॉइंड। चलो ठीक है। सी टुडे विल बी स्टार्टिंग द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, दैट इज यूनिट एंड डायमेंशन, है ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेट वन मोर मिनट। Please mute yourself. See, today we'll be starting the first chapter of physics, that is unit and dimension. ठीक है, तो without wasting any further time, let's begin. Okay. Good morning, everyone. Those who have joined late, 8 बजे join कर लिया अगर exactly. Okay. चलो, सो यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज, है ना, व्हाट इज अ यूनिट इन क्लास 9th। तो एक उसका क्विक रीकैप करेंगे एंड देन वी विल मूव स्ट्रेट ऑन टू डायमेंशनल फॉर्मूलास। ओके, चलो लेट्स बिगिन। So this is our chapter, unit and measurement, chapter 1. So for beginning, सबसे पहले basic चीजें जो अपन ने पढ़ी हैं, सबसे पहले what are physical quantities? Any quantity that can be measured is called a physical quantity, है ना। example हो गया mass, length, time, temperature। अगर अपन बात करें दूसरी quantities की, तो एक आपकी होती है abstract quantities, लव, हेट, ये सब एब्स्ट्रैक्ट हैं, दीज कैन नॉट बी मेजर्ड, सो दे आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है मेजरमेंट। अब आप मेजरमेंट कैसे करते हो, कोई स्टैंडर्ड वैल्यू से आप कंपेयर करते हो। तो देखो यही दिया है, मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ अ क्वांटिटी विद स्टैंडर्ड ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आप 1 किलो शक्कर लेने गए या सब्जी लेने गए, आलू 1 किलो, तो वो 1 किलो का उसके पास वो रहता है ना, क्या बोलते हैं, बाटा, बाट या जो भी वेट रहता है उसके खिलाफ वो मेजर करता है। तो वेन एवर यू आर मेजरिंग, यू आर जनरली कंपेयरिंग। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आ गया यूनिट। देखो, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज एंड दीज स्टैंडर्ड्स आर कॉल्ड यूनिट। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड अपन यूज करते हैं फॉर मेजरिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी, दोज स्टैंडर्ड्स आर कॉल्ड यूनिट। जैसे टाइम का सेकेंड हो गया, लेंथ का मीटर हो गया, मास का किलोग्राम हो गया, ये सब बेसिक चीजें हैं। याद करो तो अच्छी बात है, नहीं करो तो कोई बात नहीं है। ठीक है, 11th में थ्योरी आपका कम आता है, डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल ज्यादा आएंगे। नाउ देखो, नेक्स्ट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज, दोज आर इंडिपेंडेंट, वो खुद को डिफाइन कर सकते हैं, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। इनको अपन बेस क्वांटिटी भी कहते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल हो गया मास। मास किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं है, इट कैन बी डिफाइंड बाय इट्स ओन। लेंथ हो गया, लेंथ भी किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। टाइम, टेम्परेचर, करेंट, ये सब आपको पता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, बेटा ये 12th में आप पढ़ोगे, इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इज एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो अभी आपको बस इसका पढ़ लेना है, डेफिनेशन और इम्पोर्टेंट नहीं है, दिस यू विल रीड इन क्लास 12th। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस मोल, सो दीज आर द 7 फंडामेंटल और द बेसिक क्वांटिटीज दैट यू हैव टू रीड। ठीक है, अच्छा, सबकी ऐसा यूनिट क्या है, मास की किलोग्राम, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकेंड, टेम्परेचर कैल्विन, करेंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला सीडी एंड क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस मोल। सीजीएस छोड़ दो अभी। अच्छा, अब ये इनके डायमेंशन है, आपको इस चैप्टर में डायमेंशन ही पढ़ने हैं। ठीक,
तो मास का डायमेंशन है m, लेंथ का l, टाइम का t, टेम्परेचर का डायमेंशन है k, ठीक है, यहाँ थीटा दिया है, k होता है, करंट का डायमेंशन होता है a, i काट दो, डायमेंशन ऑफ करंट इज a, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का cd और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस का मोल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई ये डायमेंशन, अच्छा ये सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई, फिर इसके बाद आती है डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटी मतलब वो क्वांटिटी जिनको एक्सप्रेस करने के लिए यू नीड फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे मुझसे किसी ने बोला कि वेलोसिटी निकालो, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन, या स्पीड ले लो, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मुझे डिस्टेंस पता होना चाहिए, टाइम पता होना चाहिए, डिस्टेंस आपकी लेंथ है तो लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई, टाइम भी आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होगी, वेलोसिटी आपकी या स्पीड आपकी डेराइव्ड क्वांटिटी हो गई। किसी ने कहा कि फोर्स निकालो, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी आप फंडामेंटल क्वांटिटी से निकालोगे, तो फोर्स आपका कैसा क्वांटिटी हो गया, फोर्स आपका डेराइव्ड क्वांटिटी हो गया। सो दीज आर द सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज दैट यू हैव टू मेमोराइज, और इनके डायमेंशन याद कर लेना है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दीज सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज देर आर टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, इनका ज्यादा यूज नहीं है लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। एक होता है प्लेन एंगल, ये आपने पढ़ा होगा शायद क्लास टेंथ में, दिस इज इक्वल टू रेडियन, इसका सिंपल फॉर्मूला क्या है, इट इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, है ना, सर्कल में आपने ये आर्क ट्रेवल किया लेंथ एल का और ये रेडियस है आर का, तो जो थीटा है वो होता है एल बाई आर, इसकी यूनिट क्या होती है रेडियन, इसको डिनोट करते हैं आर ए डी से, ठीक है, तो ये सर्कल में हो रहा है। फिर दूसरा होता है सॉलिड एंगल, इसको अपन स्टीरेडियन बोलते हैं। सॉलिड एंगल बेटा सुनो, जो रेडियन है वो अपन 2D में लेते हैं, सर्कल में, सर्कल 2-डायमेंशनल है, सॉलिड एंगल अपन 3D में लेते हैं, 3D मतलब स्फीयर में लेते हैं, और सॉलिड एंगल क्या होता है, इट इज इक्वल टू, इसको आप या तो ओम से डिनोट करते हैं या कई जगह ओमेगा से करते हैं, दोनों से आप कर सकते हो, इट इज इक्वल टू द एरिया सबटेंडेड बाय अ स्फीयर डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। भैया इसका यूज नहीं है आपको, बस आपको पता होना चाहिए, इसकी यूनिट क्या होती है, स्टीरेडियन, इसका नाम ही उसकी यूनिट होती है स्टीरेडियन। जब इसका यूज क्लास 12 में, तो वहां पे अपन पढ़ेंगे, अभी बस आपको पता होना चाहिए कि ये दो आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, एक है रेडियन और दूसरा है स्टीरेडियन, इनका यूज ज़रा नहीं, बस पता होना चाहिए। रेडियन को आपको थोड़ा यूज आएगा मैथ में भी, और एंगुलर वेलोसिटी जो अपन निकालेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, मेन अपने को पढ़ना है कि डायमेंशन क्या है। देखो एनसीईआरटी खोलना, तो एनसीईआरटी में इन सब की डेफिनेशन दी है कि लेंथ क्या होता है, मास क्या होता है, टाइम क्या होता है, तो इनकी डेफिनेशन याद नहीं करनी। अब इसमें केबीसी देखे हो ना, केबीसी वाले क्वेश्चन आते हैं कि भाई जब मास को मेजर किया गया तो क्या रेफरेंस लिया गया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या ली गई, तो प्लैटिनम इरिडियम का अलॉय लिया गया, तो ये कभी डेफिनेशन आपके पेपर में नहीं आएंगी। जनरल नॉलेज यूपीएससी एसएससी एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि मास के लिए कौन सा स्टैंडर्ड लिया गया, ठीक है, और सपोज यहाँ पे पूछ लिया कि ये टाइम के लिए, टाइम के देखो डेफिनेशन यहाँ पे दी है, टाइम के लिए कौन से मेटल का ऑसिलेशन लिया गया, ये दिया है ग्राउंड स्टेट ऑफ सीजियम 133 एटम, तो इन चीजों को रेफरेंस माना गया। अगर आपको जीके बढ़ाना है तो आप पढ़ लेना, वरना इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक, एनसीईआरटी में दिया है ऐसा। अब देखो डायमेंशन कह रहा है, द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। अभी आपने सबके डायमेंशन देखे हैं लाइन से, यहाँ पे ये मास का m, लेंथ का l, टाइम का t, टेम्परेचर का k, करंट का a, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का cd और आम क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस का मोल। तो इसका देखो मतलब क्या हुआ डायमेंशन का, जैसे मैंने कहा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की आपको पता है वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या होती है, या वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है जनरल, मान लो मैंने क्यूबॉइड ले लिया, तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। अब दुनिया में कोई भी लेंथ हो, सबका डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल एल, चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो ब्रेथ हो, चाहे वो हाइट हो, तो इसका डायमेंशन अगर किसी ने बोला कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो तो क्या आ जाएगा, एल इंटू एल इंटू एल, दैट इज एल क्यूब, ओके।
तो वही देखो वही चीज दिया है, द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर, ये कितना पावर आ रहा है 3, टू विच द बेस क्वांटिटी, एल आपकी बेस क्वांटिटी है, आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। तो डेफिनेशन क्या हो गई, द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। अब बात ये आई कि जब मेरे पास यूनिट्स थी तो डायमेंशन की जरूरत क्यों पड़ी, जब यूनिट थे आपके पास तो डायमेंशन की जरूरत क्यों पड़ी। अब एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे भारत में चलता है एसआई सिस्टम, एसआई में मास किस में होता है, मास होता है किलोग्राम में। ब्रिटेन में चलता है एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड, वहां पे मास किस में होता है, पाउंड में। अब मान लो मैं गया ब्रिटेन, एक किलो शक्कर खरीद या भारत से लेके, मुझे वहां पे एक किलो शक्कर बेचनी है, मैंने कहा कि मेरे पास एक किलो शक्कर है। अब जस्ट सपोज उस देश में किसी को पता ही नहीं कि किलोग्राम क्या होता है, दे डोंट नो व्हाट किलोग्राम इज, उनको बस पाउंड पता है, और मुझे पाउंड नहीं पता कि पाउंड क्या होता है। तो अगर मुझे फिजिक्स का नॉलेज है और उनको फिजिक्स का नॉलेज है, तो मैं बोल दूंगा मेरे पास ऐसी क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन कैपिटल एम है, मुझे वो चीज बेचनी है। तो वो समझ जाएगा कि हाँ इसके पास एक सर्टन मास है, तो इसको मास को सेल करना है, फिर वो अपना यूनिट में कन्वर्ट करके बेच देगा। सपोज मेरे पास एक रॉड है 1 मीटर लेंथ की, उसको मुझे सेल करना है, ठीक है। तो मान लो अब जैसे वही ब्रिटेन में सिस्टम क्या है, फुट है, इंडिया में क्या होता है, मीटर। अब फिर से समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने बोला कि मेरे पास एक क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन एल है, मुझे वो सेल करना है। तो डायमेंशन तो हर जगह सेम है ना, यूनिट भले चेंज हो, लेंथ का जो डायमेंशन एल है वो पूरे वर्ल्ड में इट हैज बीन एक्सेप्टेड। तो डायमेंशन इसलिए यूज करते हैं कि कहीं कभी कोई एम्बिग्यूटी आ जाए तो किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, सबको एक कॉमन सिस्टम अपन प्रोवाइड करें, ठीक है। क्लियर ये चीज इतना, इफ इट इज क्लियर प्लीज रेज योर हैंड्स। ये सब बेसिक है, अभी ये सब पेपर में नहीं आता, ठीक, थियोरेटिकल पार्ट इज ऑल राइट, ओके। डायमेंशन याद कर लेना, एम एल टी है ना, लाइन से देखो, अभी अपन करेंगे तो बन जाएगा, ओके चलो। अब देखो इसके बाद आपको कुछ, एक मिनट सॉरी, इसके बाद आपको कुछ चीजों के डायमेंशन याद करने पड़ेंगे। जैसे अब आपको पता है मास का एम है, लेंथ का एल है, टाइम का टी है, और टेम्परेचर का के है, इतने आपको बेसिक पता है। अब मैंने कहा व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पीड, सीधे फॉर्मूला लिखो। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपने लिखा स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस मतलब क्या हो गया एल, और टाइम तो मतलब टी। अच्छा कभी फ्रैक्शन में नहीं लिखना है इसको, अपन कैसा लिखेंगे, एल टी माइनस वन ऊपर ले जाना है, क्लियर है। हाँ मनीष हैज गिवन द आंसर, ओके सी। अच्छा एक चीज और, जनरली जो अपन आंसर लिखते हैं वो एम मतलब एम एल टी के टर्म्स में लिखते हैं, तो इसमें तो मास का कोई टर्म नहीं है, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ एम जीरो एल टी माइनस वन, ठीक है। फिर अच्छा ये सब याद करते जाओ, इसको सब याद करना है, ठीक है। फिर दूसरा मुझसे किसी ने कहा एक्सेलरेशन क्या होता है फॉर्मूला, वी माइनस यू बाई टी। अब देखो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करेंगे तो वेलोसिटी ही मिलेगा, तो वी माइनस यू का डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर होगा, तो वी माइनस यू का डायमेंशन कितना आ गया, एल टी माइनस वन अपॉन टाइम का टी, ये ऊपर जाएगा तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, एल टी माइनस टू, क्लियर है। फिर किसी ने कहा कि फोर्स का निकालो, फोर्स का क्या आएगा, फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, मास क्या होता है कैपिटल एम, एक्सेलरेशन क्या होता है एल टी माइनस टू, तो फोर्स का डायमेंशन क्या आ गया, एम एल टी माइनस टू। फिर किसी ने कहा वर्क का निकालो, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का कितना आ गया, एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट का कितना आ गया एल, तो ये कितना आ गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अच्छा सुन लो, चाहे वर्क हो चाहे एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, वर्क एंड वर्क और एनर्जी के डायमेंशन सेम है, तो कोई भी एनर्जी दे दे उसका डायमेंशन क्या आएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है, बन जाएगा इतना। क्लियर है सभी को, मनीष संकल्प, इज इट क्लियर टू एवरीवन, प्लीज रेज योर हैंड्स इफ इट इज क्लियर। ओके ओके चलो ठीक है। अब नेक्स्ट बताओ, मैंने कहा प्रेशर का डायमेंशन निकालो, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, बताओ कितना आएगा प्रेशर का डायमेंशन, हु विल टेल प्रेशर का डायमेंशन,
बताओ, सॉल्व करो, कॉपी कॉपी लेके बैठो, कॉपी पेन है ना, ऐसे खाली हाथ में बैठो। टेल मी द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। ML माइनस वन टी माइनस टू, कृतिका हैज गिवन द आंसर इन। वेरी गुड कृतिका, आशुतोष, अतुल, गुड, चलो जान भी। हाँ सिंपल है, पुट कर द वैल्यूज, है ना। फोर्स का है एम एल टी माइनस टू, और एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, तो एक एल एक एल कड़े आएगा, तो ये हो जाएगा एम एल माइनस वन, ये ऊपर जाएगा और टी माइनस टू। वेरी गुड यशांक, आदर्श, तो अब बन जाएगा सबसे, डायमेंशन निकालते है ना। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक, अब इसमें अपने को पढ़ना है कि डायमेंशन के एप्लीकेशन क्या होते हैं, है ना। क्लियर है बेटा इतना सभी को? आदेश, ओके चलो ठीक है। सुनो अब नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू रीड इज कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो एप्लीकेशन, सबसे पहले अपने को जो एप्लीकेशन पढ़ना है इज टू वेरीफाई अ गिवन फिजिकल रिलेशन और टू वेरीफाई अ गिवन फॉर्मूला। जैसे मान लो फॉर्मूला किसी ने दे दिया कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम क्या होता है, 2π√L/g, तो आपको चेक करना होगा कि वेदर दिस फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट। ये क्वेश्चन आता है पेपर में और बहुत ईजी है, हाँ, लेकिन इसके लिए आपको डायमेंशन याद होने चाहिए, ठीक है। तो अभी आज मैं पढ़ा लूंगा तो मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा कुछ और, तो उसके आप डायमेंशन फाइंड आउट कर लेना, दैट विल बी क्लियर टू यू, ठीक है। देखो यहाँ पे द फर्स्ट एप्लीकेशन इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला। अब मैंने कहा कि ये करना कैसे, मैंने कहा चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, इसका आपको करेक्टनेस चेक करना है। ये कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है सेंट्री, सॉरी लेट मी शेयर द स्क्रीन, सॉरी मैंने कहा चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपेटल फोर्स। अब कोई भी चीज चेक कैसे करेंगे, या कोई भी चीज इक्वल कब होगी, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होंगे। तो पहले आप एल एच एस ले लो, एल एच एस, एल एच एस में क्या प्रेजेंट है, फोर्स। अब आपको इसका डायमेंशन याद होना चाहिए, क्या है फोर्स का डायमेंशन, एम एल टी माइनस टू, ये सब याद करते जाओ, ठीक है। अब आप आर एच एस ले लो, आर एच एस में क्या दिया है, एम वी स्क्वायर बाई आर, वेयर एम इज द मास ऑफ द बॉडी, वी इज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड आर इज रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द बॉडी इज रिवॉल्विंग और रोटेटिंग। पुट करो मास का कैपिटल एम, वेलोसिटी का क्या है एल टी माइनस वन। अब वेलोसिटी का स्क्वायर है तो एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस आर, तो आर मतलब लेंथ। अब इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू बाई एल, एक एल एक एल कटेगा तो कितना आ जाएगा एम एल टी माइनस टू। क्लियर है सभी को ये चीज, इफ इट इज क्लियर प्लीज रेज योर हैंड्स। याशिका, देश, आस्था, ओके इजी है, बहुत सिंपल है, एंड दिस कम्स एज अ टू मार्क क्वेश्चन, तो आपके दो नंबर पक्के पकाए हैं। और जनरली 99% टाइम ऐसा क्वेश्चन देते हैं जहाँ पे फॉर्मूला सही होता है और आपको बस केवल प्रूफ करके दिखाना है, हाँ एक दो बार गलत भी दे सकते हैं, ठीक है, तो इसी चीज में मत रहना। सृष्टि, संकल्प, यस सर, ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब सपोज मैंने एक और क्वेश्चन दे दिया, चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला, ये मैंने दे दिया टाइम पीरियड, टाइम पीरियड 2π√L/g, टी मतलब टाइम है, L है लेंथ ऑफ पेंडुलम और G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, बहुत सिंपल है। पहले आप ये ले लो RHS, सॉरी LHS, तो टाइम का डायमेंशन क्या आएगा, टाइम का डायमेंशन आएगा m0 l0 t, ये आपका LHS का डायमेंशन आ गया, ठीक है। फिर मैंने कहा कि RHS का निकालो, अच्छा सुन लो, ये जो 2π y है ना, ये कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसको रखने की जरूरत नहीं है, इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो, इट इज नॉन नेसेसरी। अंडर रूट एल, एल क्या क्या होता है, एल मतलब लेंथ, तो ये कैपिटल एल आ गया।
अपॉन जी, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब चाहे कोई भी एक्सेलरेशन हो, सबका डायमेंशन क्या आएगा, एल टी माइनस टू, तो ये हो गया एल टी माइनस टू। एल और एल कट गया, ये टी माइनस टू डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ये अंडर रूट टी स्क्वायर है तो ये कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो इसका भी डायमेंशन टी, इसका भी डायमेंशन टी, वेरीफाई कर दिया आपने, क्लियर है सभी को। आस्था, आदेश, वरुण, अंशिका, इज इट क्लियर टू एवरीवन, है ना, बहुत सिंपल है ये, इट इज वन ऑफ द लॉलीपॉपेस्ट क्वेश्चन इन द वर्ल्ड। ठीक, ओके ओके। अच्छा अब देखो, नेक्स्ट अपने को जो टॉपिक पढ़ना है उसमें अपने को एक ऐसा फॉर्मूला दे देगा और बोल देगा कि इसमें अननोन वेरिएबल का आप वैल्यू निकालो, ठीक, या डायमेंशन निकालो। तो ये किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर, ठीक। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं। कहने का मतलब, सपोज मैंने लिख दिया ये फोर्स है एफ प्लस एक्स, मैंने लिख दिया, तो ये तो एफ मतलब मुझे पता है फोर्स है, एक्स मुझे नहीं पता क्या है, तो एक्स भी क्या होगा, एक्स भी फोर्स होगा भाई, फोर्स में फोर्स ऐड करोगे ना, टाइम में टाइम ऐड करोगे, लेंथ में लेंथ ऐड करोगे, मास में मास ऐड करोगे, ऐसा तो नहीं कि मास में टाइम ऐड कर दोगे, ये कॉम्बिनेशन नहीं चलता। या फिर माइनस की मैंने बात की, मान लो सपोज ये मास है कैपिटल एम, ऐसा दिया एम माइनस पी दिया है, वेयर कैपिटल एम इज मास, तो ये पी है, ये भी क्या होगा, ये भी मास होगा और इसका डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल एम। इसी प्रकार अगर मैं फोर्स में एक्स ऐड कर रहा हूँ, मतलब एक्स भी फोर्स है और एक्स का डायमेंशन क्या होगा, एम एल टी माइनस टू। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट्स दैट सेम फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। हाँ, मल्टीप्लाई डिवाइड में रूल अप्लाई नहीं है, मल्टीप्लाई डिवाइड में आप किसी को भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। क्लियर है ये चीज सभी को? संकल्प, अंशिका, वरुण, आयुष, शिखर, पारुल, सुदीक्षा, ओके ओके, चलो ठीक है, अक्षत, यशांक, लेट्स मूव फर्दर, ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन अपन करते हैं ये, द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन टाइम एज v इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस b अपॉन t प्लस c, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर b एंड c भी लिख लो, b एंड c। अरे सुन लो, v वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और t टाइम है, ठीक है, यहाँ पे ये भी लिख लेना, a आपका एक्सेलरेशन है, दिया नहीं है क्वेश्चन में, और t आपका टाइम है। आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है b और c का, ठीक। हाँ मनीष, नैन्सी, यस सर, क्लियर। सुन लो देखो, अब मैंने क्या बोला, सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड होती है, तो देखो भैया ये यहाँ पर वेलोसिटी है, दिस इज वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस वन। तो ये जो a इंटू टी है ये पूरा भी वेलोसिटी होगा, सिमिलरली b अपॉन t प्लस सी, इसका भी जो पूरा डायमेंशन आएगा वो किसके बराबर आएगा, वेलोसिटी के बराबर आएगा। पर मनीष नहीं, मानसी है, ओके सॉरी मानसी, आई एम सॉरी। चलो तो आपको b और c का निकालना है, पहले आप इसमें नीचे आ जाओ, ये t मतलब टाइम है, अब मैंने क्या बताया, टाइम में टाइम ऐड होगा, तो c का जो डायमेंशन है वो किसके बराबर आ जाएगा, कैपिटल t के बराबर। तो इसको ऐसा लिख देना m0 l0 t, ये c का डायमेंशन आ गया। कैसे आया, c आपका टाइम में ऐड हो रहा है तो सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड होती है, टाइम में टाइम ही ऐड होगा, तो उसका डायमेंशन निकाल दिया अपन ने। क्लियर है सभी को ये सी वाला? मानसी, यशांक, क्लियर है? हाँ, अब देखो आगे, अब मुझे बी का डायमेंशन निकालना है, मैंने अभी क्या बताया, सेम फिजिकल क्वांटिटीज ऐड होती है, तो अगर ये वेलोसिटी है वी, ए इंटू टी भी वेलोसिटी है और ये पूरा टर्म बी अपॉन टी प्लस सी भी वेलोसिटी है, तो आप ये लिख कह सकते हो कि b अपॉन टी प्लस सी ये भी किसके बराबर है, ये भी वेलोसिटी v के बराबर है। अच्छा, अब सबके डायमेंशन पुट कर दो, b का मुझे नहीं पता,
ये जो ये टाइम का कैपिटल टी है, सी का भी कैपिटल टी है, यहाँ पे ऐड मत कर देना डायमेंशन, ठीक है? तो टाइम को टाइम में ऐड करेंगे तो टाइम मिलेगा, तो इसका डायमेंशन आ गया कैपिटल टी। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? एल टी माइनस वन। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये टी माइनस वन और टी कैंसिल हो जाएगा, तो बी का डायमेंशन क्या आ जाएगा? बी का डायमेंशन आ जाएगा कैपिटल टी। क्लियर है सभी को? कुशाग रास्ता, कोई ऐसा जिसको क्लियर नहीं हो फिर से पूछ लो, शर्माने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है? देयर इज नथिंग लाइक हेजिटेटिंग कि इतने सारे लोगों को क्लियर है, मेरे को क्लियर नहीं, तो मैं अपना हाथ नहीं खड़ा करूँ या नहीं पूछू। शिखर, वरुण, जानवी, आदेश, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर एक बार फिर बता दीजिए। हाँ बता देते हैं। कह रहा है वेलोसिटी दिया है, फॉर्मूला दिया है आपको, बी और सी के डायमेंशन निकालने हैं, है ना? तो मान लो जैसे एक मैं एग्जाम्पल, मान लो मैंने कोई ऐसा एग्जाम्पल दे दिया, एफ बराबर है ए बी प्लस सी डी, ऐसा कुछ दिया है। तो एफ अगर फोर्स है तो ये ए इंटू बी भी फोर्स के बराबर होगा, सी इंटू डी भी फोर्स के बराबर होगा, ठीक है? तो यहाँ भी वही चीज़ है, ये वेलोसिटी है, ए इंटू टी भी वेलोसिटी के बराबर है, और ये पूरा टर्म बी अपॉन टी प्लस सी, ये भी वेलोसिटी के बराबर है। पहले मुझे सी का निकालना है, ये ज़्यादा ईजी पड़ेगा। तो ये टाइम है, तो टाइम में टाइम ही ऐड होगा, तो अगर इसका डायमेंशन कैपिटल टी है तो सी का भी डायमेंशन कैपिटल टी होगा। तो ये चीज़ तो मुझे क्लियर है, सी का डायमेंशन मुझे मिल गया। फिर मुझे क्या पता है इस पूरे का डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर होगा, तो मैंने इसको पूरे वेलोसिटी वाला इक्वेट कर दिया, ये बी है, और टाइम में टाइम ऐड करेंगे तो टाइम मिलेगा। तो इसका डायमेंशन मैंने टी रख दिया, वेलोसिटी का मैंने डायमेंशन रख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा आंसर आ गया। अरे सॉरी, टी टी कट आएगा, सॉरी सॉरी, तो बी का डायमेंशन एल आएगा, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है? बी का डायमेंशन एल आएगा। हाँ शरद, सॉरी बेटा, बन जाएगा सभी को। आगे बढ़े। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग करोगे। यहाँ पर कह रहा है द डायमेंशन ऑफ ए, ए का डायमेंशन निकालना है इन द वैंडरवॉल इक्वेशन पी प्लस। अभी आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में पढ़ोगे और फिजिक्स में पढ़ोगे वैंडरवॉल गैस इक्वेशन। V वॉल्यूम है, P प्रेशर है, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T है टेम्परेचर। तो आपको A का डायमेंशन निकालना है और साथ में B का भी डायमेंशन निकालना है। करो ये वाला क्वेश्चन। A का डायमेंशन निकालना है और साथ में B का भी डायमेंशन निकालना है। पहले मुझे B का डायमेंशन बताओ, B का डायमेंशन क्या आएगा? एनीवन इन द ग्रुप? 90 पीपल आर देयर। सबसे पहला आंसर दिया, अरे डायमेंशन पूछ रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूँ। एल क्यू, वेरी गुड पारुल। हाँ चलो, क्या बोला मैंने, सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है। बी को अपन किससे माइनस कर रहे हैं? वॉल्यूम से। वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है? एल क्यूब। तो आप कह सकते हो कि जो बी है वो वॉल्यूम के बराबर होगा, तो बी विल बी इक्वल टू, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या है? एम जीरो एल क्यूब टी जीरो, ये बी का डायमेंशन आ गया। अब ए का डायमेंशन निकाल के दिखाओ। बी का सबको क्लियर है? हाँ साक्षी को भी क्लियर है, आदेश को भी क्लियर है, कृतिका गुड, अंशिका को भी क्लियर है। चलो ए का बताओ, ए का यशांक है टोल्ड समथिंग, सृष्टि, संजना या कृतिका हैज गिवन द आंसर एम वन ML 5 P minus 2। यशांक का भी आंसर सेम है, कृतिका का भी सेम है, तो कृतिका एंड यशांक हैव गिवन द आंसर, मानसी हैज आल्सो गिवन द सेम आंसर, आदेश, अंशिका। चलो ठीक है, ओके, और बाकी लोग भी तो आंसर देखो, किसी का कॉपी मत करना, ठीक है? कोई यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं है। सुधांशु गोस्वामी हैज गिवन द आंसर, ओके, वाओ, ओके बाय। ये कौन सा डायमेंशन है सुधांशु? अच्छा, यू आर थिंकिंग टू समथिंग एल्स। चलो बताओ बेटा, सॉल्व करके कितना आएगा देख लो फिर से क्वेश्चन। पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर, आराम से करो, टेल मी द आंसर। अच्छा, प्रेशर का डायमेंशन कितना आया था? प्रेशर का डायमेंशन कितना था? नहीं बताओगे? एम एल माइनस वन टी माइनस टू, सृष्टि का आंसर आ गया, गुड।
चलो देख लो, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। आप पहले ये ले लो, ये प्रेशर है, प्रेशर में अपन ऐड कर रहे हैं ए बाई वी स्क्वायर। तो मैंने क्या बोला, सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड होती है, तो आप ये लिख सकते हो ये जो ए बाई वी स्क्वायर है ये किसके बराबर है, ये प्रेशर के बराबर है। ठीक, तो ए कितना हो जाएगा, ए विल बी इक्वल टू पी इंटू वी स्क्वायर। तो ए विल बी इक्वल टू, प्रेशर का डायमेंशन क्या है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, एल क्यूब, तो एल क्यूब है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो 3 2 6। अब एम एल माइनस वन और एल सिक्स, तो 1 1 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम एल 5 टी माइनस टू। हाँ, क्या डायमेंशन क्लियर है सभी को, नैन्सी आदेश मानसी सृष्टि संकल्प जानवी। ओके, बन जाएगा ना सभी को, कोई ऐसे जिसको नहीं बनेगा अभी डाउट है। आर इंटू टी इज कॉन्स्टेंट, हाँ आर इंटू टी का नहीं पूछा है, वैसे गैस कॉन्स्टेंट का भी होता है ना, किलो जूल पर मोल, बट उसको अपने को अभी नहीं करना, वो अपन बाद में पढ़ेंगे तो अपन करेंगे। ठीक, क्लियर है सर, चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, टाइम वैसे कम बचा है बट फिर भी आईआरटी जेईई वाले क्वेश्चन करने कि छोड़ दें इसको। छोड़ दें आईआरटी जेईई ना, क्या मतलब आईआरटी जेईई तुम थोड़ी कर रहे हो। एक दो क्वेश्चन और थे, मैं दिखाता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं, तो मैं पढ़ा चुका हूँ। चलो कर ही लेते हैं आरटीजी वाले, ऐसा कहना है, टफ थोड़ी आरटीजी। कर लेते हैं सर, चलो ठीक है, टाइम कम है तो आपको जल्दी करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आया है तो आपको ये क्वेश्चन करना है। देख लो यहाँ पे कह रहा है भाई, वैंडरवॉल इक्वेशन वाले क्वेश्चन है। द वैंडरवॉल इक्वेशन इज इतना, ये प्रेशर वॉल्यूम टी इज गिवन, आर इज कॉल्ड मोलर गैस कॉन्स्टेंट, तो आपको क्या निकालना है, ए एंड बी आर वैंडरवॉल कॉन्स्टेंट। द डायमेंशन फॉर बी इज सेम एज दैट फॉर, पहले का आंसर बताओ, फर्स्ट का आंसर। कृतिका ने आंसर दिया वी, वेरी गुड कृतिका। हाँ आई विल शेयर ऑल द लेक्चर, जानवी इज ऑल्सो गिवन आंसर, वेरी गुड जानवी, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बी वेरी नाइस। बी बी क्यों बोल रहे हो बेटा, वी आएगा ना। वॉल्यूम के बराबर, सही है। ओके ठीक है, ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस, वेरी गुड, सभी का आंसर आ गया। शांतनु कृष्णु, एक मिनट, मेरा लैपटॉप शायद हैंग हो गया, जस्ट वेट अ मिनट। ओके 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 ओके, अरे आइसक्रीम खा गया। हाँ बन जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ए इज सेम एज दैट फॉर, ए का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आएगा बेटा, बताओ, सेकंड वाला क्वेश्चन। हाँ वेरी गुड, पी वी स्क्वायर, वेरी नाइस, सबको क्लियर है कैसा करना है। देखो आईआईटी जेई में भी कोई ऐसे बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिंपल ही सिंपल क्वेश्चन है ना, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला एज, एक मिनट सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला एज दैट ऑफ आर टी। सुन लो सुन लो, आर इंटू टी, आर होता है गैस कॉन्स्टेंट और ये बराबर होता है जूल पर कैल्विन पर मोल, तो ये होता है जूल पर कैल्विन, मोल छोड़ दो अभी क्योंकि
क्योंकि यहाँ पे शायद मोल इंक्लूड नहीं किया है, तो जूल पर कैल्विन, जूल क्या होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू पर कैल्विन, तो इसका डायमेंशन आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस वन, ये होता है ठीक है गैस कॉन्स्टेंट। करो बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पोजेस द सेम डायमेंशन फॉर्मूला एज आर इंटू टी। अब सुनो अगर तुम आर इंटू टी करोगे तो टी मतलब टेम्परेचर, तो ये जो कैल्विन है और इसका कैल्विन कट जाएगा, तो जो आर का जो डायमेंशन आएगा वो किसके बराबर आएगा, वो वर्क डन के बराबर आएगा, वो आएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है क्लियर है समझ गए, आर का पहले डायमेंशन याद कर लो, ये होता है जूल पर कैल्विन। अब आपको आर इंटू टी, आर मतलब गैस कॉन्स्टेंट, टी मतलब टेम्परेचर, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, टी और टी कट जाएगा। ठीक है तो बताओ क्या आंसर है इसका थर्ड वाले का। यशांक सिंह बहुत पुराने हैं, पुराने से क्या होता है बेटा, क्वेश्चन कभी चेंज थोड़ी होते हैं, और पहले जेई का लेवल अच्छा था, अब जेई का लेवल डाउन हो गया है। कृतिका हैज गिवन द आंसर ए बाई वी स्क्वायर, ओके वेरी गुड, थोड़ा इस क्वेश्चन में देखो सॉल्व करना पड़ेगा, गुड। मानसी हैज आल्सो गिवन द सेम आंसर, आदेश हैज आल्सो गिवन द सेम आंसर। चलो देखो जिसको कैसा किसको ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, अनिकेत हैज आल्सो गिवन द सेम आंसर, क्या बात है अनिकेत, शांतनु हैज आल्सो गिवन द सेम आंसर, सृष्टि हैज आल्सो गिवन द सेम आंसर, वेट चलो जिसको ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसके लिए होमवर्क है, ठीक क्लियर है, उसके लिए होमवर्क है। सभी का आंसर आ गया क्या, फॉर दी मैसेज परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी, परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी बेटा ये पढ़ोगे क्लास ट्वेल्थ में, बता देंगे बट अभी उसका यूज नहीं है इलेवेंथ में, तो जिसका यूज नहीं वो हम तुमको नहीं देंगे। परीक्षा इज आल्सो गिवन द सेम आंसर, सभी को क्लियर है क्वेश्चन, मैं करके बताऊं कैसे करना है, किसी कोई डाउट है तो बताओ, आई टेल यू आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। इज इट क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़े बेटा, चलो नेक्स्ट बताओ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बी अपॉन आर इंटू टी। माउस कहाँ चला गया, ये बताओ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय आर इंटू टी। देखो आर इंटू टी का तो मैंने बता दिया, आर इंटू टी का क्या आएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब आप ए का डायमेंशन निकाल लो, बी का डायमेंशन निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो। सानिया सिंह ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर फोर का सानिया ने दिया ऑप्शन ए, और कोई क्वेश्चन फोर का ही दिया ना सानिया, किसी और का तो नहीं दिया, ओके चलो ठीक है। सुनो देखो द टाइम इज गोइंग टू एंड है ना, आई हैव लेस देन वन मिनट, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस है ना, और आप घर में आराम से ट्राई करना। चलो बेटा लेट मी स्टॉप द शेयरिंग, स्क्रीनशॉट आपको ले लिया होगा नहीं तो मैं क्वेश्चन शेयर कर दूंगा। सी दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप इतना आपको क्लियर होगा, इफ इट इज क्लियर इट्स ओके, कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, लाइक यू कैन व्हाट्सएप मी योर क्यूरीज, जितना भी पढ़ाया है इसको पढ़ना, कॉपी में करना, और मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा या तो वहाँ पे सेंड कर दूंगा क्लासरूम में, ठीक है। So that's all for today. We will study tomorrow, same time, same place. 8 बजे join कर लेना है ना, भले मैं हल्का लेट आऊँ या हल्का जल्दी आ जाऊँ। बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं IT notes का क्या, यही तो notes हैं, और notes क्या होते हैं, आई एम गिविंग यू द questions, अब definition दिया तो यू कैन कॉपी द notes, वीडियो एक बार मैं, हाँ आई एल अपलोड द वीडियो इन गूगल।